क्या गदर 2 की तैयारी करते हुए नजर आया एक्टर उत्कर्ष। किस बॉलीवुड मूवी में नजर आ चुके हैं गदर में सनी देओल के बेटे का रोल करने वाले उत्कर्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर के सीक्वल की खबरों को कंफर्म किया है, मगर इसकी ऑफिशियल घोषणा सही वक्त आने पर ही की जाएगी। अनिल शर्मा ने कहा कि चीजें अभी बहुत ही शुरुआती लेवल पर है और भी फिल्म के प्लॉट और स्क्रिप्ट के बारे में सोचा जा रहा है। वैसे अनिल शर्मा भी इस समय अपनी दूसरी फिल्म अपने 2 के डायरेक्शन में बिजी है। आज से 20 साल पहले साल 2001 में रिलीज हुई थी गदर एक प्रेम कथा। सनी देओल और अमीषा पटेल की प्रेम गाथा में दिखाई दिया था एक छोटा सा बच्चा, यानी कि गदर में सनी देओल के बेटे का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा अब काफी बड़े हो चुके हैं। वो एक फिल्म में भी नजर आ चुके हैं जो कि असफल रही, लेकिन एक बार फिर गदर 2 से उत्कर्ष शर्मा स्क्रीन पर दमदार एक्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्कर्ष फिल्म में लीड रोल निभा सकते हैं। ऐसे में कुछ दिन में सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और काफी तेजी से देखी भी जा रही हैं। गदर में उत्कर्ष ने चरणजीत की भूमिका निभाई थी, सनी देओल तारा सिंह की भूमिका में थे। इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था। ऐसे में जब बात गदर 2 की आई तो अनिल शर्मा अपने बेटे उत्कर्ष को सुपरहिट दिलाने की चाहत में उन्हें पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उत्कर्ष भी इन दिनों अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दे रहे हैं। गदर फिल्म के दौरान उत्कर्ष केवल 7 साल के थे, वो अब सीक्वल में एक्शन करते हुए नजर आएंगे। बता दें साल 2018 में जीनियस से उत्कर्ष ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन फिल्म असफल रही। फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने गदर 2 को लेकर हाल ही में कहा कि स्क्रिप्ट और प्लॉट पर काम शुरू हो चुका है। सनी देओल और अनिल शर्मा की फिल्म गदर ने 2001 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इस फिल्म ने उस वक्त 100 करोड़ कमाए थे, कई सारे पुरस्कार भी अपने नाम किए थे। फिलहाल इस फिल्म के लिए फैंस को इंतजार करना पड़ सकता है। गदर 2 में सनी देओल को भी कास्ट करने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो गदर एक प्रेम कथा फिल्म के सीक्वल में सनी देओल और अमीषा पटेल ही नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि पार्ट 2 में सनी देओल हैंडपंप नहीं बल्कि पाइपलाइन ही उखाड़ते हुए दिखाई देंगे, हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं फिल्म में सनी देओल के बेटे का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा के नजर आने की भी बात की जा रही है। आपको बता दें कि उत्कर्ष ने साल 2018 में फिल्म जीनियस से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में वो लीड रोल में थे, लेकिन इस बार गदर फिल्म के सीक्वल को लेकर सुर्खियों में है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को।